हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा कुकिंग एंड शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबको नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चीला, वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करोगे तो आपको नई नई रेसिपी के साथ वीडियो मिलते रहेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं चीला बनाना। चीला बनाने के लिए हमने 2 कटोरी बेसन लेना है। बेसन को ना पतला ना गाढ़ा पानी डाल के हम चला के घोल तैयार करेंगे। मैंने 1/2 ग्लास पानी डाला है। अच्छे से चलाएंगे हम, पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, ऐसा हम गोला तैयार करेंगे। और थोड़ा पानी डालेंगे, उसके बाद फिर से चलाएंगे। लगातार 2-3 मिनट तक हल्के हाथ से हमें फेंटना है, अच्छे से चलाना है। उसके बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे। उसमें डालने की सामग्री तैयार करेंगे। ढक्कन ढक दिया है, अभी उसको साइड में रख देंगे। छोटी वाली 4 प्याज, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्ची तीखी वाली, कुछ धनिया, तीनों चीज मैंने चॉपर में कट कर लिया है। अगर आप चाहो तो बारीक टुकड़ों में टमाटर प्याज हरी मिर्ची को कट कर सकते हो। हमने चॉपर में कट किया है। अभी उसके अंदर हमने प्याज हरी मिर्ची डाला, टमाटर डाला, हरे धनिया डालेंगे, स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, 1 स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून जीरा डालेंगे और अच्छे से सारी चीज मसाला मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मसाले डाल सकते हो। हमने तीखी वाली हरी मिर्ची लिया था, इसीलिए हमने कम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं, सरल तरीके से झटपट बन जाते हैं चीले, और मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे भी बहुत फेवरेट है। आप चाहो तो ब्रेकफास्ट में शाम को चाय के साथ चीला का नाश्ता ले सकते हो। पैन गैस पे हमने रख दिया है नॉनस्टिक का। चारों तरफ 1 स्पून हम ऑयल लगाएंगे, उसके बाद हम चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। चीले को हम धीरे धीरे चारों तरफ से फैलाएंगे, गोला आकार में चीला बनाएंगे। हल्के हाथ का इस्तेमाल करना है। मीडियम साइज का मैं चीला बनाऊंगी। थोड़ा सा चीला हम मोटा रखेंगे। चीला थोड़ा हल्का मोटा होता है तो ही चीला टेस्टी लगता है। एकदम पतला चीला बनते हैं तो खाने में मजा भी नहीं आती और टेस्टी भी नहीं लगता है। मैंने अच्छे से फैला दिया है, अभी उसको धीमी आंच पे हम पकाएंगे। मैंने गैस की फ्लेम हाई करके पैन को गर्म किया था, उसके बाद हम स्लो कर देते हैं। चारों तरफ से हम ऑयल डालेंगे, अच्छे से निकलेगा चीला। अभी चीले को हम पलटाएंगे। आप लोग देख रहे हो कलर चेंज हो चुका है। कोई भी चीला, डोसा, कुछ भी हम बनाते हो पकने के बाद अपने आप चेंजेस दिख जाता है। चारों तरफ से हमने हाथ से चला के आपको दिखा कितना अच्छे से चीला खुल गया है, घूम रहा है, सॉफ्ट बनेगा, खाने में टेस्टी बनेगा। सर्व करने के लिए अभी मैं चीले को प्लेट में निकालूंगी। दोनों बच्चों को काफ़ी भूख लगी है। मम्मी आज बेसन का चीला बनाओ, हमने दोनों बच्चों के लिए चीला बनाया है। उसके साथ हम उसको उनको सॉस देंगे। आप चाहो तो हरे धनिया की चटनी, मीठा दही, चाय के साथ भी आप चीला खा सकते हो। एक चीला हमने निकाल दिया है, अभी दूसरा चीला डालेंगे। दोनों बच्चे साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। आप इसी तरीके से चीला बनाना, बहुत ही टेस्टी बनता है, झटपट बन जाता है। आपके पास सब्जी अवेलेबल है, मटर, गाजर, शिमला मिर्च बारीक टुकड़ों में काट के आप डाल सकते हो। हेल्दी है, वेट लॉस के लिए चीला बहुत ही लाभदायक है। मैंने बीच में वेट लॉस किया था तो डॉक्टर ने मुझे चीला बोला था, मूंग दाल चीला, बेसन चीला, सूजी का चीला, तो वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, पेट भी बढ़ता है, हेल्दी भी रहता है। और बेसन की आइटम बच्चों को देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डॉक्टर वैसे भी बोलते हैं बच्चों को बेसन की आइटम देना चाहिए, जो ज़्यादातर में सूजी, बेसन और मूंग दाल का चीला ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स में, शाम को भी बच्चों को भूख लगे तो मैं तुरंत बना देती हूँ। सर्व करने के लिए निकाल दिया है। सॉस मेरा निकला हुआ था, कटोरी में निकाल दिया था, हाथ से चला के दिखा रही हूँ, सॉफ्ट बना है। अभी बच्चे देखना तड़ा तड़ी करके खाने लगेंगे, बीच बीच में लड़ाई भी करेंगे। अभी दोनों बच्चे वेट कर रहे हैं भूख। चीला बन के तैयार हो गया है, अभी बच्चे स्टार्ट कर देंगे खाने के लिए।
दोनों एक ही प्लेट में ज़्यादातर खाते, दोनों भाई बहन काफ़ी पढ़ती भी है, लड़ झगड़ते भी। देखो बच्ची मेरी जा रही है, उसने चीला नहीं दिया, इसलिए बोल रहे बहुत टेस्टी बनाए मम्मी, नेक्स्ट टाइम फिर से बनाओ। हर दो दिन में चीला मांगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।